अक्सर जब बच्चों के गुदा द्वार में खुजली या जलन होती है तो कहा जाता है कि चुचने काट रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये चुचने काटना किसे कहते हैं? असल में ये और कुछ नहीं बल्कि पेट में पड़ने वाले कीड़े की वजह से होता है। जी हाँ, ये एक ऐसा कीड़ा है जो इंसान के पेट से लेकर पिछवाड़े तक हर एक अंग को परेशान करके रख देता है और कई बार तो इन कीड़ों की वजह से अस्पताल जाने की नौबत भी आ सकती है। ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर इनके लक्षण क्या होते हैं और इनसे हम कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, जब 5 से 10 साल के बच्चों में या फिर कभी कदार बड़ों के पेट में पिनवॉर्म नाम के कीड़े अपना कब्जा जमा लेते हैं तो उन्हें चुचने काटने लगते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि गुदा द्वार में होने वाली खुजली कीड़े की वजह से हो रही है। अब अगर देखा जाए तो पिनवॉर्म का जो सबसे कॉमन लक्षण है वो है लैटरिंग जाने का एरिया, यानी कि जो मलद्वार होता है वहाँ पर खुजली होती है और वह भी बहुत भयानक तरीके से, जिसकी वजह से बच्चे रोने लगते हैं। और ये खुजली आमतौर पर लोगों को रात में सोने के बाद शुरू होती है और इस भयानक खुजली का कारण ये है कि जो फीमेल पिन वॉर्म होती हैं, ये इंसान के सोने के बाद उसके मलद्वार से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं और जब ये बाहर निकलती हैं तो मलद्वार में ही अपने अंडे देकर चली जाती हैं। और खुजली होने का जो कारण होता है वो यही होता है कि जिस जगह पर ये अंडे देती हैं वो जेली की तरह चिपचिपा होता है, उसमें ये अंडे देती हैं, जिसकी वजह से इंसान को खुजली होती है। और इतना ही नहीं, अंडे देने के बाद ये कीड़े उसी के आसपास मूवमेंट करते हैं जिसकी वजह से इंसान को जोरदार खुजली होती है और इसी कंडीशन को चुचने काटना कहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब ये कीड़े रात में इंसान के सोने के बाद इस तरह की चीजें करते हैं तो जो पेशेंट होता है उसे सोने में दिक्कत आती है और बिल्कुल भी नींद नहीं आती। उसकी नींद खराब होने की वजह से मरीज चिड़चिड़ा हो जाता है और कई बार तो स्थिति ये आ जाती है कि मरीज अपने दांत को चबाना शुरू कर देता है। यानी कि जब यह कीड़े इंसान के शरीर में पड़ते हैं तो उसके सोने के बाद सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं और उसका दिमाग संतुलित नहीं रहता। ये पिनवर्म का सबसे बड़ा सिम्टम है और अगर हालात को ज्यादा ही सीरियस हो जाते हैं तो मरीज का वजन कम होने लगता है, मरीज का जी मिचलाने लगता है, उसे बार बार उल्टी लगती है, भूख कम लगती है और पेट में दर्द शुरू हो जाता है और मरीज के अंदर घबराहट बढ़ जाती है। यानी कि ये छोटे से कीड़े इंसान को पूरी तरह से बौखला देते हैं। इतना ही नहीं, जो महिलाएं पिनवॉर्म का शिकार होती हैं कई बार उनके वेंजाइना में ये जाकर इन्फेक्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं में वर्जिनल डिस्चार्ज शुरू हो जाता है। और इसकी एक और कंडीशन है जिसे अपेंडिसाइट्स कहा जाता है, यानी कि मरीज के अंदर अपेंडिक्स में सूजन आ जाती है और अगर ये कंडीशन आ गई तो कई बार मरीज को सर्जरी तक करवाने की जरूरत पड़ जाती है। इसलिए अगर किसी को चुनचुने काट रहे हैं तो उसे नजरअंदाज ना करें और शर्म की वजह से किसी से छुपाएं नहीं, बल्कि इसका इलाज जल्द से जल्द करवा लें वरना आगे चलकर बहुत मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर पिनवर्म का इन्फेक्शन इंसान को क्यों होता है? असल में इस तरह के कीड़े पड़ना एक कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर ये बहुत ही तेजी से फैलती है। होता यह है कि इस कीड़े से इन्फेक्टेड इंसान जब अपने मलद्वार में खुजली करता है, क्योंकि उसे खुजली होती है, और वो जब उसे खुजलाता है तो जो इन्फेक्टेड इंसान है उसके नाखूनों में ये कीड़े के अंडे इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे में उन इन्फेक्टेड हाथों को जहां भी वो लगाता है, फिर चाहे फर्नीचर हो या दीवार हो या कपड़े या फिर किसी भी दूसरे इंसान के हाथ मिलाता है तो मरीज अपने हाथों के जरिए उन अंडों को छोड़ देता है। अब ये अंडे हाथ या मुंह के जरिए किसी भी दूसरे इंसान के शरीर में चले जाएंगे या फिर सांस के जरिए भी किसी दूसरे इंसान को इन्फेक्टेड कर सकते हैं, क्योंकि अंडे बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और किसी भी तरीके से दूसरे इंसान को इन्फेक्टेड कर सकते हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि इन कीड़ों के जो अंडे होते हैं ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर में 2 से 3 हफ्तों तक आराम से जिंदा रह सकते हैं। इसी वजह से इन्फेक्शन बहुत ही आसानी से फैल जाता है, क्योंकि इन्फेक्टेड इंसान जब खुजली करता है तो उसके बाद वो अपने हाथ को कहीं ना कहीं लगा ही देता है। जिस जगह पर वो अपना हाथ लगाता है उसे जो कोई भी छूता है उसके शरीर में ये कीड़े पहुंच जाते हैं, जिस वजह से परिवार के अगर किसी एक इंसान को इस कीड़े से इन्फेक्शन होता है तो पूरी की पूरी फैमिली उससे इन्फेक्टेड हो जाती है। अब इससे बचने का सबसे सही तरीका है वो ये है कि जिस किसी को भी चुनचुने काट रहे हैं यानी कि जिससे इन्फेक्शन है, उसे पहली बात तो अपने मलद्वार में खुजली करनी ही नहीं चाहिए और अगर वो खुजली कर रहा है तो उसे अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, नहाना चाहिए और घर की चद्दर उसे बदल देना चाहिए। इसके अलावा नाखूनों को नहीं खाना चाहिए। यहाँ पर जिस किसी को भी पिनवॉर्म का इन्फेक्शन हो गया है उसे पूरी सफाई रखनी चाहिए। दोस्तों, इस इन्फेक्शन को पहचानने का सबसे बेहतर तरीका है कि अगर रात में सोने के बाद मलद्वार में
खुजली होने लगती है तो समझ लेना चाहिए कि पेट में कीड़े पड़ गए हैं। और उसके बाद तीन सिंपल टेक्निक है जिससे आप पिन वॉर्म या थियर्ड वॉर्म के इन्फेक्शन को कंफर्म कर सकते हैं। पहले तो बच्चे के सोने के 2-3 घंटे बाद उसके मल द्वार को अच्छी तरह से चेक करें। अगर बच्चा इन्फेक्टेड है तो उसमें आपको छोटे छोटे कीड़े नजर आएंगे, क्योंकि इन कीड़ों का जो साइज होता है वो 1/2 इंच का होता है, जो आसानी से दिख सकता है। दूसरी टेक्निक में सुबह के टाइम मरीज के उठने के बाद जो मल द्वार है उसमें ट्रांसपेरेंट टेप चिपकाई जाती है ताकि पिन वॉर्म के जो अंडे होते हैं उसमें चिपक जाएं, और फिर इन अंडों को एक स्लाइड में डाल दिया जाता है और उस स्लाइड को माइक्रोस्कोप से देखकर एग्जामिन कर लिया जाता है। ये चीज डॉक्टर ज्यादातर करते हैं। इसमें इन कीड़ों को कलेक्ट करने के लिए पिन वॉर्म पैडल नाम के इंस्ट्रूमेंट का भी इस्तेमाल किया जाता है। और जो अगली टेक्निक है उसमें सुबह के टाइम पर जो मरीज के नाखून होते हैं उसके सैंपल लिए जाते हैं और इन सैंपल को भी माइक्रोस्कोप से एग्जामिन किया जाता है। बाकी ब्लड टेस्ट या फिर स्टूल टेस्ट वगैरह को पिन वॉर्म के इन्फेक्शन में एडवाइज नहीं किया जाता क्योंकि इसकी जरूरत नहीं होती है। अब बारी आती है पिन वॉर्म के ट्रीटमेंट के बारे में बात करने की। तो दोस्तों, इसके ट्रीटमेंट में मरीज एल्बेंडाजोल या मेबेंडाजोल में से कोई भी एक मेडिसिन डॉक्टर के कंसल्ट करने के बाद ले सकता है। ये ऐसी दवाइयां हैं जो पेट में मौजूद इन कीड़ों को जड़ से खत्म कर देती है, लेकिन इनका इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लें। और हाँ, एक बार दवा खाने के बाद भूल ना जाएं, बल्कि 2 हफ्ते बाद दोबारा इसकी डोज लेना ना भूलें ताकि बॉडी में मौजूद ये कीड़े पूरी तरह से नष्ट हो जाएं, वरना आगे बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी पेट में पड़ने वाले कीड़ों के बारे में कुछ खास जानकारी, जिससे आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। और इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।